वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। 2019 के इस सियासी माहौल में जहां एक तरफ सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने नेताओं का खुलकर प्रचार कर रही है, उन्हें जिताने के लिए चुनावी मैदान में दमखम लगा रही है, तो वहीं जनता ने भी अपने प्यारे नेताओं को जिताने के लिए मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ लक्ष्मी नगर के दुर्गा पीजी में, वही लक्ष्मी नगर जहाँ दिल्ली के तमाम सीए पढ़कर जाते हैं और जहाँ से बड़े बड़े सीए और अर्थशास्त्री निकलते हैं। तो लक्ष्मी नगर के दुर्गा पीजी में यहाँ की लेडीज ब्रिगेड ने खोल दिया है मोदी के फेवर में मोर्चा। तो आइए जानते हैं कि क्यों सपोर्ट कर रही है ये अपने प्यारे नरेंद्र मोदी को। मैं भी चौकीदार हूँ, मोदी के साथ हूँ। मैं भी चौकीदार हूँ, मोदी के साथ हूँ। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। अपने चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने जनता को ही चौकीदार बना दिया और अब इस लेडीज ब्रिगेड ने मैं भी चौकीदार कैंपेन शुरू कर दिया है। तो हम इन्हीं से पूछते हैं कि क्यों बन गई है ये मोदी के लिए चौकीदार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सृष्टि साहू है। और आप मोदी को क्यों पसंद करती हैं? आपने क्यों इस कैंपेन में हिस्सा लिया? मैं इस इलेक्शन में पूरी तरीके से मोदी के साथ हूँ, क्योंकि मोदी से जैसा लीडर आज तक ना हुआ है ना आगे होगा। उन्होंने ना जाने कितनी सारी चीजें की हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की, हमारा डिफेंस सिस्टम जो सबसे वीक था वो कितना स्ट्रॉन्ग किया हम लोग का, प्लस हम लोग की सिक्योरिटी कितनी बढ़ाई है। सो ऑब्वियसली हम लोग मोदी के साथ ही रहेंगे। मैं मोदी को इसलिए सपोर्ट करूंगी क्योंकि जितनी भी हमारी और पॉलिटिकल पार्टीज हैं बीजेपी के अलावा, उन सब में वो मैं सोचती हूँ वो आई क्यू रहे खेलने के लिए। सबको पता ही मैन ऑफ द मैच तो मोदी है, मैन ऑफ ओके आईपीएल की भाषा में मैन ऑफ द मैच मोदी है। ठीक है। और पुलवामा अटैक में जिस तरह से मोदी ने उसके अगेंस्ट चैरिटीज के अगेंस्ट एक्शन लिया है, कोई नहीं ले सकता। मोदी अब हमारे फॉरेन रिलेशंस उसने सारे सही किए हैं, डिमोटलाइजेशन किया है, 5 साल में आज तक किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, उसने 2-2 सर्जिकल स्ट्राइक कर दी अपने। और जो बंदा डिमोटलाइजेशन कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जैसे कि अभी रिसेंट में लोकपाल, हमने अपना फर्स्ट लोकपाल पाया है पीसी घोष। इतने टाइम से अन्ना हजारे जी की मूवमेंट जो चली आ रही थी उसको फाइनली एक एंड मिला है। दो बहुत ही टाइम टेकिंग था, बट फाइनली वी गॉट आवर फर्स्ट लोकपाल, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो कि करप्शन को कटेल करने में मदद करेगी। हमने देखा है कि गंगा सफाई अभियान जो मोदी जी ने चलाया है, वो पिछले गवर्नमेंट्स ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। मोदी ने पूरा स्टैंडर्ड चेंज कर दिया है, ही इज़ अ गेम चेंजर। आज तक इतनी पॉलिटिकल लीडरशिप, इतना विजनरी और कोई नहीं था। मुझे लगता है कि 56 इंच का सीना जो है वो सिर्फ मोदी के पास ही हो सकता है और किसी के पास नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो जो लाया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है हमारी कंट्री में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI कितना ग्रोथ कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर वो पार्ट ऑफ ए आर्मी फैमिली। तो भाई जब उसने सर्जिकल स्ट्राइक करी ना, तो हमारा तो बॉस मोदी ही है। सारी देश में हमारी पहचान है, बहुत ज्यादा ताकतवर है हमारा। मोदी जी की वजह से हमारी इंडिया की रैंकिंग इतनी ज्यादा वर्ल्ड वाइड लेवल पे इतनी इंप्रूव हो गई है कि ऐसा होगा तो हमारे इंडिया की मतलब डेवलपमेंट होती ही जाएगी। मोदी अकेले नहीं कर रहा है, उसने सबको इंक्लूड किया है, उसकी जो लीडरशिप है इंक्लूसिव है। और अगर मोदी इतने अच्छे काम कर रहा है तो अगर हम सभी सपोर्ट करें तो वो और अच्छा कर सकता है। कुछ भी करने से पहले देश का भला सोचता है, ये नहीं सोचता कि वो पॉलिटिकल पार्ट उसका क्या, डिमोनेटाइजेशन उसने किया तो सब लोग उसके अगेंस्ट थे, बट उसने किया क्योंकि वो इंडिया के, उनका मानना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी सारी डाइवर्स चीजें फिर भी वो सबको यूनाइट करके सबको लेके चल रहे हैं। मोदी जी खुद को सर्वेंट मानते हैं, वो खुद को लीडर एज अ लीडर नहीं मानते, वो सर्वेंट मानते, वो देश की सेवा करना चाहते, इसीलिए उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल को भी पास करवा दिया। उन्होंने पेन्स क्या है नॉर्मल पब्लिक के, जो पब्लिक से आता है ना उसको पब्लिक के पेन मालूम होता है, नॉट एवरीवन नोज दैट। तो अगर पेन मालूम होगा तो आप उसको हटाओगे ना, मालूम ही नहीं होगा तो घर हर घर में टॉयलेट्स की व्यवस्था के लिए मोदी जी ने जो अपना कैंपेन बढ़ाया है वो काफी सराहनीय है। तो हम सब लेडीज है और एक कॉमन क्वेश्चन लेडीज के लिए कि महिला सुरक्षा पर आप मोदी जी से कितना सहमत है? आपको लगता है उन्होंने कुछ काम किया जो कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ था? आप लोग उससे सेटिस्फाइड हैं मोदी जी के कामों से महिला सुरक्षा पर?
हाँ मैं तो सेटिस्फाइड हूँ लेकिन फुल्ली नहीं। हमें कोई ऐसा नेता नहीं चाहिए, हमें कोई मोदी नहीं चाहिए, कोई राहुल नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसा नेता चाहिए जो हमारे देश को आगे लेकर जाए। इस पूरे कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं मनोज कुमार राठौड़, तो हमने उनसे भी पूछा कि वो मोदी को क्यों इतना पसंद करते हैं और क्यों उनके सपोर्ट में ये अभियान चला रहे हैं, तो आइए जानते हैं उन्हीं से। नमस्कार, मैं मोदी को ही पिछले 5 साल के कामों के अच्छे काम करने की वजह से सपोर्ट कर रहा हूँ, और ना कि इसलिए कि उन्होंने राहुल को हराया इसको हराया। मैं तो सिर्फ मोदी को ये जानता हूँ, उसने देश को हमारे आगे लेके गया, सर्जिकल स्ट्राइक की, GST लेकर आए और घर घर टॉयलेट बनवाए और जनधन योजना चलाई, ये सारी चीज़ गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए उन्होंने लागू की, और मैं इसके काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं मोदी को सपोर्ट करता हूँ। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ,